राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने आज अहिरवाल में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाली। इन दोनों नेताओं ने आज अहिरवाल की नारनौल और महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार राव नरेंद्र सिंह और राव दान सिंह के लिए वोटों की अपील की। दोनों दिग्गजों के आने से कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला। अशोक गहलोत सैनी समाज से आते हैं, लिहाजा नारनौल में राव नरेंद्र सिंह और ओबीसी होने के नाते महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह के लिए वो खासा कारगर साबित हो सकते हैं। अंत में अब आप सुनिए कि अशोक गहलोत ने इन दोनों नेताओं के लिए प्रचार करते हुए जनता से क्या अपील की और इनके प्रचार को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने क्या दावा ठोक दिया। विधवाओं को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, बूढ़े औरतों को भैया 6,000 रुपए का वादा किया है, कानून का दर्जा देंगे। मैं मोदी जी पूछना चाहूंगा, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मैं भी मुख्यमंत्री राजस्थान का था, वो गुजरात के थे, तब बोला करते थे हमारी मीटिंगों में केंद्र सरकार को MSP के लिए कानून का दर्जा देना। अब क्यों दे रहे हैं वो आप पूछ सकते हो, कुछ व्यक्ति के करने में अंतर है। इतने में करना 500 गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में पहली बार मैंने अनाउंस किया था राजस्थान के अंदर, जब गाँव बिहार थे वाजपेयी यात्रा रही थी तब मैंने अनाउंस किया था। मुझे खुशी है अब इस पर और सरकारें भी काम कर रही हैं। गरीब है या दलित वर्ग है या मध्यम क्लास है, 500 रुपये सिलेंडर मिलता है, 1,200 और काम 500, ये वादा किया गया है। OPS कर्मचारी मिले तो जीवन टाइम देखा है, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में मैंने शुरू किया वो लागू करने का वादा किया है गांधी कार्ड के अंदर। बाकी तो 100 गज प्लॉट भी है, 3.5 लाख की लागत से 2 करोड़ का मकान भी है, बिजली फ्री भी है, कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। फसल के संख्या मुआवजा क्रिमिनल की सीमा 10 लाख, 2 लाख भर्ती हैं, नशा मुक्त हरियाणा आज के लिए बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नशा पता करने लगे नौजवान भी हमारे, ये पंजाब होता था आपके यहाँ भी आएगा, थोड़ा बहुत रास्ता में गुजरा हो गंगानगर हनुमानगढ़। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तमाम बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये बातें कहने के लिए नहीं है कि कांग्रेस शासन करना जानती है, इसलिए मैं लाना जानती है, लागू करना जानती है। इसलिए मैं आपको, क्योंकि आगे 2 मीटिंग और है तो मैं लंबी बात नहीं करता, बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई कृपा करके आप इस बार राम नरेंद्र सिंह जी की जीत, मैंने कहा आपको ये आपकी जीत होगी, ये मैं कह सकता हूँ आपकी जीत। देखिए वो वोट की अपील करने के लिए आए हुए हैं, काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बहुत ही अनुभवी है। तो वो जहाँ जा रहे हैं उनकी अपील का 100% जो है पॉजिटिव रिजल्ट है, इसलिए वो आज हमारे यहाँ भी आए, उन लोगों से अपील की है, लोगों ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के समर्थन मतदान करें। चुनाव अंतिम पड़ाव में जा चुका है, किस तरह से देखते आपने? देखिए चुनाव अंतिम पड़ाव पे है, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन रही है और निश्चित तौर पर लोगों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस को सत्ता सौंपेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका की यात्रा चल रही है हरियाणा में, क्या महेंद्रगढ़ जिले में भी आएंगे? देखिए अभी तक निर्णय कुछ हुआ नहीं है, अब तो कल तक का हुआ है, देखते हैं कल तक कोई अगर आएगा तो बता देंगे आप।